रचना। शुरुआत में परमेश्वर हर सब चीज मन के रचना ऐसने प्रकार ले करीस और छह दिन में संसार के और जोन कुछ उमा है वो सब चीज मन के रचना करीस। जब परमेश्वर हर पृथ्वी के रचना करीस तब पृथ्वी अंधियारी और खाली रहीस, काबर की अभी ले परमेश्वर हर इमा कोनो घोले चीज ला नहीं बनाए रहीस। लेकिन परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर किंद्रत रहीस। फेन परमेश्वर हर कहीस अंजोर हो और अंजोर होगीस। परमेश्वर हर देखीस कि अंजोर बढ़िया है और ओला दिन कहीस और ओहर अंजोर ला अंधियार ले अलग करीस और अंधियार ला ओहर रात कहीस। परमेश्वर हर रचना के पहले दिन मा अंजोर के रचना करीस। रचना के दूसर दिन मा परमेश्वर हर कहीस जल के ऊपर एक ठन अंतर हो जाए और एक ठन अंतर होगीस। परमेश्वर हर ई अंतर ला आकाश कहीस। तीसर दिन मा परमेश्वर हर कहीस जल हर एक ठन जगह मा जमा हो जाए और सूखी भुइयां दिखे। ओहर सूखी भुइयां ला पृथ्वी कहीस और पानी ला समुंदर कहीस। परमेश्वर हर देखीस कि जोन ओहर बनाए रहीस ओहर बढ़िया रहीस। फेन परमेश्वर हर कहीस पृथ्वी मा सब प्रकार के रुख और पौधा उगे और ऐसने छोइस। परमेश्वर हर देखीस कि जोन ओहर बनाए रहीस ओहर बढ़िया रहीस। रचना के चौथा दिन मा परमेश्वर हर कहीस आकाश मा ज्योति मन होए और सूरज चंदा और तारागण प्रगट होइन। परमेश्वर हर ओमल्ला पृथ्वी मा अंजोर दे और दिन और रात मौसम मन और बछर मल्ला चिन्हे पर बनाइस। परमेश्वर हर देखिस कि जोन ओहर बनाए रहीस ओहर बढ़िया रहीस। पांचवा दिन परमेश्वर हर कहीस जीवित प्राणी जल मा भर जाए और आकाश मा चिराई उड़े। ऐसनेच प्रकार ले ओहर जल मा तैरे वाला सब जंतुला और चिरई मल्ला बनाइस। परमेश्वर हर देखिस कि इहर बढ़िया रहीस और ओ मल्ला आशीष दिस। रचना के छठवां दिन मा परमेश्वर हर कहीस भुइया मा रहे वाला सब प्रकार के जानवर उत्पन्न होए और परमेश्वर के कहे अनुसार ऐसने होगीस। कुछ जानवर पालतू रहीन, कुछ भुइया मा रेंगे वाला और कुछ जंगली पशु रहीन और परमेश्वर हर देखिस कि ओहर बढ़िया रहीस। फेन परमेश्वर हर कहीस आवा हमन मनसेला अपन स्वरूप मा और अपन जैसन बनाबो। ओमन पृथ्वी मा और सब जानवर मन के ऊपर राज करही। इस सब होए के बाद परमेश्वर हर माटी ला लेके ओमा ले पुरुष ला बनाइस और ओमा जीवन के सांस ला फूंक दिस। इ पुरुष के नाम आदम रहीस। परमेश्वर हर आदम के रहे बर एक ठन बड़खा बगिया ला बनाइस और ओकर देखभाल करे बर आदम ला ओकरा राख दिस। उ बगिया के माझा मा परमेश्वर हर दू ठन विशेष रुख लगाइस, जीवन के रुख और भले और बुरे के ज्ञान के रुख। परमेश्वर हर आदम ला ई आज्ञा दिस ते बगिया के सब रुख मन के फल खा सकत हस, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के जोन रुख है ओकर फल ते कभू नहीं खावे, काबर की जोन दिन ते ओकर फल खावे ओच दिन जरूर मर जावे। और परमेश्वर हर कहिस पुरुष के अकेला रहे बर बढ़िया नहीं है, लेकिन कोनो घोले जानवर आदम के सहायक नहीं हो सकिस। एकर बर परमेश्वर हर आदम ला गहरी नींद मा डार दिस। फेन परमेश्वर हर आदम के पंजरा के एक ठन हड्डी ले के ओकर ले एक झन नारी के रचना करीस और ओला आदम ठी लेके आईस। जब आदम हर ओला देखीस तो ओहर कहीस वाह इहर तो मोर जैसन है, इहर तो स्त्री कहे जाही, काबर कि ई पुरुष ले बनाए गे है। इकर खातिर पुरुष अपन माता पिता ला छोड़ के अपन पत्नी के संग एक हो जाते। परमेश्वर हर पुरुष और स्त्री ला अपन जैसन बनाइस। ओहर उमल्ला आशीष दिस और उमल्ले कहिस बने ज्यादा लयका और नाती पोता जन्म कर
और पृथ्वी ला भर दा। और परमेश्वर हर देखिस कि जोन कुछ घोले ओहर बनाए रहिस उ बनेच बढ़िया रहिस और ओहर उस सब ले ज्यादा खुश रहिस। इस सब रचना के छठवां दिन होइस। जब सातवां दिन आइस तब परमेश्वर हर उ सब काम मल्ला खत्म करिस जोन ओहर करत रहिस। ओहर सातवें दिन ला आशीष दिस और ओला पवित्र दिन ठहराइस, काबर कि उ दिन ओहर सब चीज मन के रचना करे बर खत्म करे रहिस। ऐसने प्रकार ले परमेश्वर हर संसार के और जोन कुछ ओमा हे उ सब के रचना करिस। उत्पत्ति अध्याय 1-2 तक बाइबिल के एक ठन कथा।